हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट सेप्स। और दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने के लिए, कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि 19 इंडिया कैसे लगती है, कैसे 19 इंडिया को हम क्रैक कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं 19 इंडिया खेलने के बाद, और क्यों लोग 19 इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप अब तक अभी 19 ओवर नहीं हुए हो ना, और अभी आपके पास 19 खेलने का चांस है, तो ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आपको कॉन्फिडेंस दुगना होने वाला है अगर आपने मेरी टिप्स को फॉलो किया तो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप क्रिकेट स्टेप का पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्रिकेट रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप हमें वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर संडे आपको 4 to 6 PM के बीच में उन क्वेरीज का आंसर देता हूँ। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे कि 19 इंडिया कैसे क्रैक करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर अंडर 19 इंडिया। देखिए, अंडर 19 इंडिया के लिए आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर क्रिकेट ट्रायल्स। एंड इसी के साथ ही आप देख सकते हैं थिंग्स यू मस्ट अवॉइड एज ए क्रिकेटर की एक पूरी सीरीज है जो आपको सुननी चाहिए। एंड आप देख सकते हैं हाउ टू एनालाइज योर सेल्फ एंड हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। क्रिकेट स्टेप्स की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चालू करोगे तो वो क्या करेंगी, वो आपके माइंडसेट को क्लियर करना चालू कर देंगी। शायद आप इसमें कोई ना कोई गलतियां कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तो वो सारी गलतियां आपकी डिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। इस प्रिपरेशन के अंदर तीन ऐसे केसेस आते हैं जो आपको समझने हैं, जो बहुत सारे बच्चों के मन को लगता है कि उनको समझना चाहिए अगर उनको आगे हायर लेवल पे खेलना है। केस नंबर वन, यू हैव प्लेड अंडर 14 बट नॉट एबल टू प्ले अंडर 16। एंड सेकेंड केस है, यू हैव प्लेड 16 बट नॉट एबल टू प्ले अंडर 19। एंड थर्ड केस है, यू हैव प्लेड नथिंग, मतलब आपने कोई भी बोर्ड ट्रॉफी की क्रिकेट नहीं खेली है। तो अब ये आप तीन केसेस जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं, अब आप अंदाजा लगाइए कि आप किस केस के अंदर अभी करंट में हैं। और मुझे एक बात सुन के बहुत दुख होता है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरी एज 16 हो गई है, या मेरी एज 15 हो गई है, या मेरी एज 17 हो गई है, और मेरी क्रिकेट के अंदर एज जा चुकी है, और क्या मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है जो बच्चे बात बोलते हैं यार, 15 और 16 के अंदर आपकी क्रिकेट कैसे खत्म हो जाएगी, मुझे बताओ ना यार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को 17 में स्टार्ट करा, 18 में स्टार्ट करा, वो 19 इंडिया नहीं भी खेल पाए। जब भी वो हायर लेवल पे पहुंचे, जब भी उन्होंने इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करा, आप पढ़ो ना इसके बारे में। आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपकी क्रिकेट खत्म हो गई, आप लेट हो गए क्रिकेट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग जल्दी आ रखे हैं, अगर उनके अंदर डेडिकेशन कम है ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिनकी जिनके पास टाइम कम होता है और डेडिकेशन ज़्यादा होती है, वो कर जाते हैं, राइट। तो ये आपको समझना है कि आपकी एज बिल्कुल नहीं गई है, ये बात ध्यान रखना। आप प्लीज़ ये बात मत बोला करो। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आप समझो। देखिए, अगर आपकी एज 15 है, या अगर आपकी एज 14 है, और अगर आप बोर्ड ट्रॉफी खेले हो 14, तो आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है कि बोर्ड क्रिकेट कैसे होती है। तो आपको प्रोफेशनली काम करना है 19 इंडिया के लिए, आपको 16 पे फोकस नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि उनका 16 में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता ना, जो बच्चे 14 खेलते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर वो नेक्स्ट 16 में ट्राई करते हैं, फिर नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस और ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप 14 की एज में हैं, तो आपको 16 नहीं देखना, आपको 19 इंडिया देखना है, राइट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर मैं 16 नहीं खेला तो 19 इंडिया कैसे खेलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप 16 के लिए पूरी मेहनत करो, पूरी जी जान लगाओ। इनकेस आपका नहीं होता, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो 19 इंडिया के ऊपर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 14 खेले, आप 16 नहीं खेले, तो आपको डिजेक्टेड फील करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरा तो 16 के अंदर नहीं हुआ, मैं 19 इंडिया कैसे खेलूंगा। आप 19 इंडिया पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपकी एज 14 है, तो आपके पास 19 इंडिया प्रेजेंट करने के लिए 4 साल है, और 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ क्रिकेट के अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप परफॉर्म करते हो ना, तो 1 साल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो क्रिकेट से, और 1 साल में बहुत सारे लेवल खेल सकते हो। इसी तरह अगर आप अंडर 16 खेल चुके हो और अनफॉर्चुनेटली आप 19 में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप टीम से बाहर हो गए या ड्रॉप हो गए, या आप 19 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेहनत करो, क्योंकि आप 16 खेल रखे हो, आप प्रोफेशनली मेहनत करो, अपने कोचेस से बात करो, अपने हार्डवर्क बढ़ाओ, अपने एनालिसिस बढ़ाओ, अपनी प्रिपरेशन बढ़ाओ, हर चीज़ बढ़ा दो, ताकि आपको 19 इंडिया मिल ही जाए। आपके पास कितना टाइम है, 16 आप अगर ओवर हो चुके हैं तो 17-18 आपके पास 2 साल हैं, बट आप 16 खेल चुके हो, तो आपके पास ये एडवांटेज है। तो आप क्या करो, आप अपनी मेहनत को बढ़ाओ और 19 इंडिया खेलने की तैयारी करो। अगर आप 17 में भी 19 इंडिया क्रैक कर लेते हो, या 18 में भी कर लेते हो मैं कहता हूँ, और उसी साल आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, टॉप परफॉर्म कर दिया, तो आप आगे खेल सकते हो, राइट।
उसके बाद है अगर आप कुछ भी नहीं खेले तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 14 नहीं खेले 16 नहीं खेले तो आप 19 इंडिया नहीं खेल सकते। आप आराम से खेल सकते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप डेफिनेटली खेल जाओगे, अगर आपके तैयारी में दम होगा और आपके अंदर दम होगा तो दुनिया की कोई ताकत, में कह रहा हूँ, आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप देखो तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो 14 भी नहीं खेले 16 भी नहीं खेले बट वो डायरेक्टली उन्होंने 17 18 में 19 डेब्यू करा और उन्होंने एक साल में अच्छा परफॉर्म करा और उसी साल वो कई लोग तो रणजी ट्रॉफी भी खेल जाते हैं उसी साल 19 इंडिया भी खेल जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो और आगे खेल जाते हैं। तो क्रिकेट के अंदर मेन चीज़ आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अगर आप परफॉर्म करते चले जाओगे तो हमेशा ऊपर उड़ते हुए चले जाओगे और अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको पता है आप कहाँ जाने वाले हो। तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, राइट। एंड दोस्तों अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्लेइंग अंडर 19 इंडिया। प्रोसीजर क्या होता है 19 इंडिया प्ले करने का। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है और मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप 19 इंडिया खेल सकते हैं। आप जिस स्टेट के अंदर भी रहते हो, पंजाब में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी आप रहते हो, आपको सबसे पहले अपनी स्टेट की अंडर 19 टीम के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि वो आपको क्रैक करनी पड़ेगी। जब आप वहां जाते हो ना और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तब आपके 19 इंडिया का सफर चालू हो जाता है। जैसे देखिए 19 के दो फॉर्मेट होते हैं, पहला होता है आपका वनडे और दूसरा होता है आपका टेस्ट मैचेस यानी कि डेज मैचेस। उसमें आपको परफॉर्म करना होता है। जब आप वनडे के अंदर परफॉर्म करते हो, अगर आप अपनी टीम को जीत दिलाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, आप बैट्समैन हो चाहे बॉलर, तो क्या होता है कि आपको चैलेंजर्स के लिए कॉल होती है और चैलेंजर क्या होती है, चैलेंजर होती है वनडे गेम्स। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो अपने 36 टीमें हैं उनमें से बच्चों को बुलाया जाता है, चार टीमें बनाई जाती हैं और जो वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है फिर वहाँ से उन्हीं मतलब चार टीमों के बीच से 19 इंडिया की टीम बनती है जो इंटरनेशनली खेलती है जाकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ टेस्ट मैचेस की, टेस्ट मैचेस में भी सेम होता है, जो बच्चे टेस्ट मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको 19 इंडिया के लिए कॉल होता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं उनको तो डायरेक्टली कॉल हो जाता है, बट जो उनसे थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं वही सेम फॉर्मेट होता है, चार पांच टीमें बनती हैं फिर उसके अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। जब आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो तब जाके आपकी 19 इंडिया लगती है, ठीक है। वहाँ पर सारे सेलेक्टर होते हैं, सब कुछ होता है, वो आपको देखते हैं, जज करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको इम्प्रूव करते हैं, आपको नरिश करते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, तब आप 19 इंडिया खेलते हैं वहाँ से। और जो टीम इंटरनेशनली और जो बच्चे इंटरनेशनल टीम में अच्छा परफॉर्म करते हैं 19 इंडिया की, वो वर्ल्ड कप में जाते हैं और जो वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसलिए 19 इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये प्रोसीजर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस ही आपको आगे खिलाने वाली है और कोई दूसरा चांस नहीं है। तो गाइज अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है बेनिफिट्स आफ्टर प्लेइंग अंडर 19 इंडिया। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत इंप्रूव हो जाती है। थर्ड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप फेमस हो जाते हैं। फोर्थ बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। फिफ्थ बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी स्टेट में आपको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है। कहीं भी जब अगर टीम जाती है तो आपको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और आपको हमेशा आगे रखा जाएगा ताकि आप अपनी टीम को, अपनी स्टेट को आगे पहुंचा सकें, राइट। और ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं जब आप 19 इंडिया खेल जाते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है कि क्यों 19 इंडिया को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों लोग हमेशा 19 इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए 19 इंडिया अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और अगर आप 19 में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी स्टेट के अंदर तो भी आपके लिए बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आपको आपकी स्टेट डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी के अंदर भी चांस देती है, वो आपको वो चेक करती है क्योंकि रणजी ट्रॉफी यंग प्लेयर्स को हमेशा चांस देती है। आपके डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी लग जाती है 19 में अच्छा परफॉर्म करने का, 19 इंडिया आप ऑलरेडी खेल के आ रखे होते हो, एनसी आपके लग जाती है, वहां से आप बहुत कुछ नया सीख के आते हो, राइट। और अगर आप 19 इंडिया वर्ल्ड कप की टीम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको आईपीएल खेलने का चांस मिलता है। अगर आप वहां अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आप इंडिया ए में ले जाना पड़ता है और अगर आप इंडिया ए में परफॉर्म करते हो तो आप इंडिया के लिए जाते हो। तो इस तरीके से आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक जगह परफॉर्म करने के बाद, राइट। तो इसीलिए 19 के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप एक दूसरा केस देखें, जो बच्चा 16 खेला है, नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम्पल के तौर पर 19 खेलता है और वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो टीम से ड्रॉप हो जाता है, किसी सीजन आपकी इंजरी हो जाती है, किसी सीजन आपकी कुछ और हो जाता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है और हम गिरते पड़ते तब जाकर रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। बट 19 इंडिया आपको डायरेक्टली जंप करने की अपॉर्चुनिटी देता है
इसीलिए 19 इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको अपना जो फोकस रखना है वो 19 इंडिया पे रखना है और पूरी जी जान से मेहनत करनी है। आप सारी चीजें भूल जाओ उसके आगे, आपको जो सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको जो पागलपन करना पड़े, आपको जो मेहनत करनी पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, बट आपको यहाँ पर पहुंचना है। आपकी अगर एज है, अगर आप ओवर हो चुके हैं तो आप उसके लिए अलग तैयारी करें, बट अगर आपकी एज है ना भी बची हुई, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हर एक चीज को छोड़ दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई को ध्यान दो और अपने क्रिकेट को ध्यान दो। बाकी आपके लाइफ में कोई भी चीज मेरे हिसाब से इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ये लेवल खेल जाओगे ना, तो उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाओगे लोगों से। आपके कई साल की जो मेहनत है, जो कई साल की स्ट्रगल है, वो बच जाएगी अगर आप आज स्ट्रगल और मेहनत करते हो। एंड आई होप गाइस कि ये सीरियस वीडियो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा 19 इंडिया के बारे में, और आपके बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे मिथ दूर हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी एज कितनी है और आप क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एनसीए और एनसीए कैसे लगती है, उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर एनसीए कैसे लगती है, हमें बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग क्रिकेट स्टेप्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।